खबर गरोठ से। पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दामों में वृद्धि को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गरोठ द्वारा किया गया नगर बंद। बढ़ती महंगाई को देखते नगरवासियों व्यापारियों ने किया नगर बंद का समर्थन। गरोठ के पुराने बस स्टैंड पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बनाई चूल्हे पर चाय, जमकर की नारेबाजी, सरकार को कोसा। गरोठ, दिनों दिन बढ़ती महंगाई के कारण आम आदमी की कमर टूट सी गई है। वहीं प्रमुख रोजमर्रा की चीजों में जैसे पेट्रोल डीजल रसोई गैस सब्जी अन्य कई खाद्य पदार्थों में मूल्य वृद्धि होने से आम जनता त्रस्त और परेशान दिख रही है। इसी महंगाई और आमजन की परेशानी को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा देशव्यापी बंद का आह्वान किया गया था। इसी के चलते गरोठ नगर में भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरा नगर बंद रखा गया, जिसे नगरवासियों और व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर अपना पूरा जन समर्थन प्रदान किया। बढ़ती महंगाई को देखकर पुराने बस स्टैंड शहीद चौक पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कछुलाल मगर के नेतृत्व में पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन कर महंगाई के विरोध में अपना विरोध प्रदर्शन किया गया और चूल्हे पर चाय बनाकर विरोध जताया गया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कछुलाल मगर ने कहा कि बढ़ती महंगाई के चलते आमजन परेशान है और त्रस्त है। युवा वर्ग को रोजगार नहीं मिल रहा है। 3 कृषि काले कानून विधेयक के चलते किसान वर्ग भी परेशान है। बढ़ती महंगाई से महिलाओं को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने बढ़ती महंगाई को दामों में वृद्धि से सभी जन को परेशानी और सदमे में डाल दिया है। कांग्रेस पार्टी का कर्म विरोध जताना, सो हम अपना विरोध प्रदर्शन कर केंद्र में सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आज 1 घंटे का सांकेतिक धरना दिया जा रहा है और केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस सचिव ललित चंदे ने इस अवसर पर कहा कि हम रात को सोकर उठते हैं तो सुबह पता चलता है कि पेट्रोल डीजल रसोई गैस दाम सब्जी सभी के भाव अचानक बढ़ जाते हैं और आम जनता सदमे में आ जाती है। हमारी ऐतिहासिक विरासत बिकती जा रही है और सभी जगह निजीकरण के चलते आम नागरिक का मानसिक और आर्थिक शोषण हो रहा है। विद्युत कंपनी में भी निजीकरण होने से बिलों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। विधायकों की खरीद फरोख्त में लगे 35 करोड़ की डील के रूप में सीधे आम जनता के जेबों से महंगाई वृद्धि कर वसूले जा रहे हैं। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का संचालन सुनील मिश्रा द्वारा किया गया। इस अवसर पर यह रहे उपस्थित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कछुलाल मगर, प्रदेश कांग्रेस सचिव ललित चंदेल, कांग्रेस जोड़ो अभियान के संयोजक दिनेश सोनी, सुनील मिश्रा, रविंद पड्डा, जीवन सांगला, रवि कोटवाल, पंकज भगत, प्रमोद वर्मा सर, प्रपू सदर, हाफिज खान ठेकेदार, आमिन टेलर, मदन लाल ग्वाला, राम गोपाल ननेरा आदि उपस्थित थे। धरना प्रदर्शन के बाद मूल्य वृद्धि विरोध को लेकर तहसीलदार पंकज जाट को ज्ञापन सौंपा गया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का संचालन सुनील मिश्रा द्वारा किया गया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन की टीम ASP महंत आनेकर, SDOP फुल सिंह परस्ते के निर्देशन में थाना प्रभारी शिवांशु मालवीय और उनकी टीम मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाते नजर आई। गरोठ से संवाददाता जीवन सांगला की रिपोर्ट। मोदी सरकार